भोपाल में आयोजित महिला उद्यमी सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 850 एमएसएमई यूनिट्स को 275 करोड़ की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। उन्होंने इस दौरान 99 इकाइयों का लोकार्पण और 12 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित महिला उद्योगपति व उद्यमी सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सिंगल क्लिक से 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था की है। इसी तरह राज्य सरकार भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रही है। वह दिन दूर नहीं जब महिलाएं केवल उद्यमी ही नहीं बल्कि उद्योग मंत्री भी बनेंगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 99 इकाइयों का लोकार्पण और 12 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। हमारे एमएसएमई मंत्री और उद्योग मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी बहनों से आज रक्षाबंधन का पावन पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर की उद्यमी बहनों का आगमन हुआ। इस अवसर पर एक और बड़ा काम हुआ है, पहली बार हमारी एमएसएमई मंत्री के द्वारा हमारे मंत्रालय से लगभग 125 करोड़ की राशि 22-23 के तक के सारे उद्यमशील बहनों के खातों में, बहन भाई सभी के खातों में 450 से ज्यादा इंडस्ट्रियों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। इसके माध्यम से हम इस शुचिता को भी बढ़ावा देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उद्यमशीलता इससे और लगातार बढ़ेगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।